हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पैकेज 10 का लेटेस्ट अपडेट, जो कि पापी इंटरचेंज से और तलासरी इंटरचेंज तक 25 किलोमीटर का ये पैकेज होने वाला है, जिसमें आज हम देखेंगे कि जो दमन गंगा के ऊपर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो ब्रिज का काम किया जा रहा है उसका अपडेट। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के आने वाले कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, इससे अगले अपडेट में हमने देखा था पैकेज 7 का, जो कि सूरत इंटरचेंज से और खरेल इंटरचेंज तक 28 किलोमीटर लंबा पैकेज था, जिसमें हमने लास्ट जो खरेल इंटरचेंज तक की आपको वीडियो बना के दिखाई थी, वहाँ से दोस्तों स्टार्ट हो जाता है पैकेज 8 और उसके बाद पैकेज 9। तो दोस्तों, पैकेज 8 और पैकेज 9 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल भी काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और पैकेज 10 का जो काम है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दमन गंगा के ऊपर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ब्रिज बनाया जा रहा है उसका अपडेट। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू कर। आज की वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं बापी की साइड से, और दमन गंगा तक आपको कंटिन्यू वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ। और यहाँ के अगर हम काम की बात करूँ तो यहाँ पे अभी अर्थ वर्किंग का काम है, वही सिर्फ हो पाया है। सामने आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अलाइनमेंट जो है सिर्फ अर्थवर्किंग का ही काम नज़र आ रहा है, आगे तक कुछ भी ऐसा काम कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। सामने आप देख सकते हैं ये सेलवासा वाला बड़ा हाईवे है, जिसको क्रॉसिंग करते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो काम है वो भी अभी अनकम्प्लीट ही है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ 2 गार्डर बना के कम्प्लीट कर दिए गए हैं और आगे तक हम लोग देखने वाले हैं। मैं आपको इस पैकेज का दोस्तों 8 से 10 किलोमीटर तक का पूरा कवर करके दिखाने वाला हूँ। वैसे तो ये 25 किलोमीटर लंबा पैकेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया बापी इंटरचेंज से और तलासरी इंटरचेंज तक का 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मैं आपको पूरा पैकेज दिखाऊंगा, पार्ट टू पार्ट वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसको 4 सेक्शन और 52 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, और आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं सेक्शन 3 का, जो कि बड़ोदरा विरार सेक्शन 354 किलोमीटर लंबाई सेक्शन है। और पैकेज की बात करूँ तो आज हम देखने वाले पैकेज 10 का अपडेट। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है पैकेज 10 का, वो दया माजू इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में ये काम किया जा रहा है। जैसे कि हमने पीछे की साइड में फाउंडेशन का काम काफ़ी जोरों शोरों में किया जा रहा था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे PQC की फर्स्ट लेयर डाल दी गई है। आगे तक आप देख सकते हैं आगे भी फाउंडेशन का काम किया जा रहा है दोस्तों। कहीं कहीं पे इसका PQC की लेयर जो है उसको डाल दी गई है, और कहीं कहीं पे इसका फाउंडेशन का काम किया जा रहा है। पैकेज 8 और पैकेज 9 की अगर हम बात करें तो सिर्फ अलाइनमेंट ही हमको देखने को मिलेगा, वहाँ पे काम कुछ भी देखने जैसा नहीं है। सामने आप देख सकते हैं यह है दमन गंगा रिवर, जिसके ऊपर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ब्रिज का काम किया जाएगा। अभी तो यहाँ पे कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों, आगे तक आप सामने देख सकते हैं सिर्फ अर्थवर्किंग का काम है, वही सब कंप्लीट हो पाया है दोस्तों। मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि 1,00,000 करोड़ की लागत से ये 1,350 किलोमीटर जो का जो रूट है वो कंप्लीट किया जा रहा है, और 8 लाइन का ये एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसको भविष्य में 12 लाइन तक कन्वर्ट किया जाएगा दोस्तों। जैसे कि अभी हमको दिल्ली से मुंबई तक की दूरी तय करने में 24 घंटे का टाइम लगता है दोस्तों, और जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो 12 घंटे में हम लोग दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट कर सकेंगे। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे भारत में 6 ऐसे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, जैसे कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, उसके बाद दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। ये 6 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो कि आने वाले समय में हमारे भारत को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा पैकेज 10 का अपडेट, और यहाँ के काम की बात करूँ तो यहाँ का पूरा काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। खास कुछ काम हमको देखने को नहीं मिला है दोस्तों, सिर्फ फाउंडेशन का जो काम है, अर्थवर्किंग का काम है, वही सब हो पाया दोस्तों। आगे तक आप देख सकते हैं पूरा का पूरा काम सिर्फ अर्थवर्किंग का ही हमको नज़र आ रहा है दोस्तों। और दमन गंगा के पास इसका PQC की फर्स्ट लेयर हमको देखने को मिली थी, बाकी कुछ भी काम ऐसा खास हुआ नहीं है दोस्तों। और ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक छोटा सा अपडेट दिखाया है जो कि पैकेज 10 का, क्योंकि इससे आगे का जो काम है दोस्तों पैकेज 8 और पैकेज 9 का जो काम है वो कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। पैकेज 8 और पैकेज 9 का जो अलाइनमेंट है वही सब नज़र आ रहा है, बाकी काम कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो दोस्तों।